वायरस के बाद हुकूमत सिंध की पॉलिसियों ने शहरी और बल्दियाती इदारों को मुश्किल में डाल दिया। हुकूमत सिंध की दोहरी पॉलिसी के सबब 3 करोड़ आबादी में काम करने वाले शहरी बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को दीगर सिंध हुकूमत के मुलाजमीन के बराबर अहमियत नहीं दी और इनके लिए छुट्टियों का ऐलान नहीं किया, जिसके सबब इन इदारों में काम करने वाले हजारों मुलाजमीन और इनके घर वाले परेशान हैं कि सबकी छुट्टियां हो गईं, गांव और अपने शहरों को चले गए, लेकिन शहरी बल्दियाती इदारों में काम करने वाले कोरोना वायरस के सामने क्यों खड़े कर दिए गए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची जिले बल्दियाती इदारों और इनके महकमों में बदस्तूर काम जारी है। इसी तरह कराची और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के भी तमाम दफातर खुले हुए हैं और इनमें काम हो रहा है। हुकूमत सिंध की पॉलिसी और ऐलानात बदनीयती पर होने के सबब कराची पुलिस स्टेट बन गया है और इलाका पुलिस की मर्जी है जिसे चाहे कारोबार करने की इजाज़त दे और जिसे चाहे गिरफ्तार कर ले। वजीर आला सिंध की जेर सदारत होने वाले इजलास में पॉलिसियों पर अमल दरामद कराने में जिले इंतजामिया का किरदार मशकूक हो गया, जो इजलास में अहकामात पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराते हैं लेकिन अमली तौर पर इकदाम करने में नाकाम रहते हैं, जिसके सबब शहर में कोरोना हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। दूसरी जानब वफाकी इदारे भी सिंध हुकूमत से तआवुन और इसके अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं। हुकूमती सिंध के महकमे बंद, वफाकी और बल्दियाती इदारों के महकमे और मुलाजमीन सरगर्मी अमल हैं।